सोलापुर के ग्रामीण इलाके की महिलाएं अब आत्मनिर्भर बन रही हैं। केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से आयोजित एक योजना के माध्यम से कोलेगांव इलाके की महिलाओं ने आत्मनिर्वहन खुद के दम पर करना शुरू किया है। काम के चक्कर में दूसरे गांव जाने वाली महिलाओं को जब इस योजना की जानकारी मिली, तब इन महिलाओं ने इस योजना का बेहतर तरीके से लाभ लिया। गाँव की कई महिलाएँ इस योजना से जुड़ गईं और 10 दिन के प्रशिक्षण के भीतर ही उन्होंने अपना खुद का व्यापार शुरू कर दिया। इस योजना के बारे में ग्रामीण महिलाओं का कहना है कि 10 दिन चले इस आयोजन में महिलाओं को ग्रामीण रोजगार से रूबरू करवाया गया, जिसमें चूड़ी व्यवसाय, साड़ी का व्यापार, मछली व्यापार और हरी सब्जियों का व्यापार शामिल था। इस व्यापार के माध्यम से वहाँ की महिलाओं को अपने व्यापार को बढ़ाने का एक मंच मिला। इस योजना के तहत महिलाओं को जो राशि मिली है, उस राशि का इस्तेमाल करके उन्होंने ये व्यापार शुरू किया। मी पहले इटा थापाई जात होते, मग असच गटामंदी मी आले, गटामंदी महिलाने घेतल्यावर मग ती इटाचा व्यवसाय बंद केला। लोकाच्या माती शेण कसं करायचं जात होतो, चिखल मातीची कामं, मग त्याच्यामधून आपण व्यवसायामध्ये नाव घातलं। मीनाक्षी मॅडमचं आल्या, त्यांनी म्हणले व्यवसाय करा, तुम्ही परगावला इटा थापाय जातो असं करतो, तुम्हाला आता होत नाही, एका जागेला बसून तुम्ही काम करा। मग त्यांनी आपल्याला त्यांनी माहिती थोडी सांगितली, 10 दिवसाचं प्रशिक्षण घेतलं, त्याच्यामध्ये चांगलं डोकं घालून मी चालू केलं काम। बचत गटातून फायदा झाला म्हणजे मला ती बचत गटातून मी बांगड्याचा व्यवसाय चालू केल्यामुळं मला त्यात माहिती जास्त मिळाली आणि त्यात पैसे किती इन्कम आहे ती मला कळाल्यापासून मी स्टेशनरी पण परत लगेच सुनाला व्यवसाय चालू करून दिली। हे काय काय हे साड्या कपडे हे असं शिलाई काम अगोदर करत होती मी, त्याच्यामधून मग पुन्हा ही माहिती मिळाली ना आम्हाला गटामधून, त्याच्यामधून मग मी परत मग माल भरला, विक्री करते मोहोळमध्ये ही, आणि कुठं असं गावाला ही चालली तरी बरोबर असतं माझ्यासोबत बरोबर। कुल मिलाकर सोलापुर गांव की महिलाओं में ये देखने को मिल रहा है कि सरकार की इस योजना से फायदा उठाकर ये महिलाएं भी घर को चलाने में हाथ बटाने के लिए प्रेरित हो रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट एब्रोज शेख के साथ जुल्फिकार वड्डू, इन 24 न्यूज़, सोलापुर।